हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है, तो बिल्कुल रुकना नहीं है। एग्ज़ाम डेट आपका कभी भी आ सकता है, बिल्कुल तैयार रहना है। भीड़ से आगे निकलना है तो आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम कुछ टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे हम क्या करते हैं कि हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम सिलेबस को जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लें। उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लाते हैं, प्रैक्टिस सेट लाते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इससे बेहतर तरीका ये है कि आप जिस टॉपिक को, जैसे एक टॉपिक यदि आपने पढ़ लिया तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसे आप उसी समय सॉल्व कर लिए जिस समय आपको आपने उस टॉपिक को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड सभी चीज़ें आपने पढ़ लिया है या अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको पढ़ना बाकी है। ठीक है ना, इससे ये फ़ायदा होगा कि पढ़ाई के साथ साथ आपका मूल्यांकन भी होता रहेगा और इसके डबल रिवीजन भी हो जाएगा। जब आप एक बार आप जब उस चीज़ को, उस टॉपिक को पढ़ रहा है तब हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जब मॉक टेस्ट आता है तो वही चीज़ें आपके सामने दोबारा से आती हैं, तो वो चीज़ें जब दो बार आपके दिमाग के सामने से गुजरता है तो वो बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो ये एक सही तरीका है कि हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट हैं तुरंत ही सॉल्व कर लिया जाए। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और एक नहीं, दो, तीन, चार, जितने भी आपसे हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट उस टॉपिक से रिलेटेड लगाइए और हर टॉपिक को आपको ऐसा ही पढ़ना। फिर दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट है उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लग सकता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जिनको आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इससे ये होता है एक्यूरेसी आती है और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस बनते हैं। दूसरा गलती हम ये करते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड होकर पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो करके पढ़ाई नहीं करना है। बिल्कुल कूल माइंड से, बिल्कुल खुश हो करके पढ़ाई करना है। ठीक है ना, तो ये गलती नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के पढ़ाई नहीं करना है। उसके बाद एक और चीज़ है जो कि आपको ध्यान देना है, वो ये चीज़ है कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत बड़े टारगेट को एक साथ वो स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और हमें पता होता है कि ये किताब भी पढ़ना है, ये किताब भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना, तो ये सारे चीज़ जब दिमाग में आते हैं तो दिमाग जो हमारा होता है उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, स्वीकारता नहीं है। ठीक है, वो पहले ही जवाब दे देता है कि नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा टारगेट और बहुत बड़ा टारगेट है, ये हमसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने दिमाग को, अपने मन को समझाना है कि अपने छोटे छोटे टॉपिक्स को, ठीक है ना, कि एक पन्ना अगर पढ़ रहा है तो अपने मन को समझाइए कि हमको बस वही पन्ना पढ़ना है। ठीक है, जैसे एक छोटी सी कहानी मैं सुनाती हूँ आपको कि एक बार गौतम बुद्ध जो थे वो अपने शिष्यों के साथ जो है वो जा रहे थे कहीं जंगल में, तो किसी गाँव में उनको पहुँचना था और बहुत कई मीलों दूर वह गाँव था। ठीक है, और उनके शिष्य जो थे चलते चलते थक गए थे, तो उनके शिष्यों ने बार बार वो गौतम बुद्ध से पूछ रहे थे कि गुरुजी अभी कितना दूर और चलना है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध उन्हें बार बार ये समझा रहे थे कि अरे अभी थोड़ा ही दूर है, बस थोड़े ही दूर में, थोड़े ही समय में गांव जो है वो आ जाएगा। तो उनके दिमाग को एक तसल्ली मिल रहा था कि चलो कोई बात नहीं, जैसे उतना चले थोड़ा सा और चल लेंगे। तो फिर वो आगे बढ़ गए, फिर गाँव नहीं आए, फिर वो बार बार पूछ रहे थे कि महात्मा जी अभी कितना दूर और चलना है, तो फिर उनका यही जवाब था कि चलो अब आ ही गए हो, बस कुछ ही दूर चलना है। ठीक है, तो यही फार्मूला जो है आपको पढ़ाई में अपनाना है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कोई भी, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस इतना छोटा तो है नहीं कि हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स होंगे, तैयार करना पड़ता है। लेकिन सबके बारे में न सोचते हुए जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो पन्ना, जो पेज आप पढ़ रहे हैं, आप बस अपने दिमाग को ये समझाइए कि हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस अभी जो पेज हम पढ़ रहे हैं बस उसी को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपका दिमाग तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, हाँ चलो ये तो बहुत आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक पन्ना कंप्लीट करना है, इसको तो हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चुटकियों में कर लेंगे। तो जैसे ही एक पेज आपका कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे पेज पे जाइए, अगले टॉपिक पे जाइए, तो फिर अपने दिमाग को समझाइए कि हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस हमको इतना ही पढ़ना है। तो ये एक तरीका है जिससे आप बोरियत भी फील नहीं करेंगे और धीरे धीरे करके आप जो है अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, टिप्स है जो मैं बताती हूँ आपको, मैंने भी इसे फॉलो किया है। जब भी हम कोई भी चीज़ तैयार करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो उसका आधे से अधिक हिस्सा जो है वो भूल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक बेहतर तरीका है
कि जो भी पढ़ा हुआ चीज़ है, जो भी कॉन्सेप्ट हम तैयार कर रहे हैं या जो भी पॉइंट हम तैयार कर रहे हैं, वो किसी सामने वाले को, किसी को पढ़ा दें। कोई भी व्यक्ति अगर तैयारी कर रहा है या आपके साथ का है, तो आप अगर उसे पढ़ा देते हैं, वही चीज़ समझा देते हैं, तो वो स्थायी रूप से लंबे समय के लिए टिका रहता है, वो भूलता नहीं है, ठीक है ना। यदि कोई आपके पास नहीं है जिसको आप समझा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए आप खुद को ही समझा लीजिए। जैसे यदि कोई टॉपिक आपने तैयार किया, तो खुद को ही समझाइए कि आज ये टॉपिक मैंने पढ़ा, इस टॉपिक के बारे में कौन कौन से पॉइंट मुझे याद हो गए। तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट, ये टॉपिक, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट मैंने तैयार कर लिया। यदि कुछ समझने वाला है, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी खुद को समझाइए। तो इस तरह करने से ये होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो लंबे समय तक टिका रहता है, ठीक है ना। वो बहुत जल्दी नहीं भूलता है, और केवल यदि पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए सिलेबस को सिर्फ कंप्लीट करने के चक्कर में लगे रहेंगे, तो लास्ट में ये होता है बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं और फिर से हमें दोबारा से मेहनत करना पड़ता है, और जिस कारण से होता है हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। अगली बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हम टारगेट डिसाइड करते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, कभी कभी अपने ही लापरवाही की वजह से वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे एक कारण हो सकता है कि मोबाइल का सामने रखना, जहाँ हम पढ़ते हैं मोबाइल को रख लेते हैं, और किसी थोड़ी सी देर के लिए यदि मोबाइल को उठाते हैं और हम उसको पता ही नहीं चलता हमें एक घंटा दो घंटा कब बीत गया। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये मोबाइल की जो लत है उसको छुड़ाना। उसके लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को वश में रखना है और मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखें कि आप पढ़ने जब बैठे तो मोबाइल को उठाने के लिए आपको जाना पड़े, ठीक है ना। आप आसानी से मोबाइल को नहीं, पढ़ने के बाद आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, उसी टाइम में अपने मोबाइल को यूज़ कीजिए। और बात यह था कि जब आप टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप खुद को ही पनिश करना सीखें। जैसे यदि आपने कल का टारगेट रखा था और आपको पता है कि मैंने यहाँ यहाँ टाइम गंवा दिया जो कि मुझे नहीं गंवाना चाहिए, तो अगले दिन खुद को ही पनिशमेंट दीजिए कि नहीं, मुझे आज दो घंटा या तीन घंटा कल से ज़्यादा पढ़ना है। जो चीज़ मैं कल कवर कर सकता था उसको आज कवर करके ही सोना है, ठीक है ना। तो इससे एक अनुशासन बनेगा, आप खुद के अंदर एक अनुशासन बनेगा और बेहतर तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और इस समय चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई को हम एक विकल्प के रूप में लेते हैं कि जब सब चीज़ें, सब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल रहेंगी तभी हम पढ़ाई करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, अभी गर्मी का समय है, बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, हमारी लेडीज़ बहनें हैं, जो रोटी बनाने के समय हम खड़े होते हैं तो आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट लग जाता है, ठीक है ना। तो उस समय पसीने से तरबतर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं क्योंकि वो करना है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ पढ़ाई में करना है, पढ़ाई में, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जब भी पढ़ने बैठे, अगर वैसा स्थिति है, वैसा माहौल है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो तुरंत हम रख देते हैं कि नहीं, ऐसे माहौल में पढ़ाई कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो वही फार्मूला उसमें भी अपनाना है, उसको भी उतना ही ज़रूरी समझना है कि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसको तो करना ही करना है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, उससे नहीं मतलब है, ये चीज़ ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। जैसे लाइफ के अन्य काम जो आपका इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़रूरी आपका ये पढ़ाई है, क्योंकि इस पे ही आपका पूरा पूरा भविष्य जो है वो टिका हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।